नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किमी फ्रॉम ब्राइट स्किल्स विद किमी चैनल से, और एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। सो दोस्तों, आज आप लोग देख सकते हैं हमारा जो टॉपिक है वो गार्डनिंग से रिलेटेड है, और आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम लोग पान के पत्ते के प्लांट के बिल्कुल पास बैठे हैं। और दोस्तों, इसमें आज ये देखिए, ये कोई इसमें जो बारिश के एफिड्स होते हैं, कोई इसमें कीड़ा लग गया है, ये देखिए, और इसमें इसको ये लगातार खा रहा है। और देखिए, पूरे इसमें छेद कर दिए हैं, और ये वाला जो प्लांट है ये अच्छी कंडीशन में नहीं है। तो दोस्तों, आज हम लोग इसमें एक स्प्रे कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग नीम ऑयल और जो डिटॉल सोप होता है, हैंड वॉश सोप, और हम लोग इसमें सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है, उसको स्प्रे करने वाले हैं। सो हम लोग 1 लीटर के जार में, दोस्तों ये देखिए 1 लीटर का जार है, इसमें हम 1 स्पून नीम ऑयल, 1 छोटी चम्मच, दोस्तों 1 छोटी चम्मच हमें खाने वाला सोडा, और दोस्तों हमें थोड़ा सा हमें हैंड वॉश डालना है, उतना ही 1 छोटी चम्मच डाल सकते हैं, या 1 बड़ी चम्मच भी आप डाल सकते हैं। सो दोस्तों, चलिए स्प्रे करते हैं इसे। ये देखिए पूरे दोस्तों उसका, देखिए प्लांट का कितना बुरा हाल हो गया है इसमें, लेकिन अब हम लोगों ने इस पर स्प्रे किया है तो अब ये एक अच्छी कंडीशन में आएगा, क्योंकि इसमें देखिए एक नई लीफ आ रही है, और देखिए ये वाला भी हमारा पान का हमारा ये पत्ता है, इसमें भी एक आ रहा है, ये भी एक छोटा सा प्लांट है। तो ऐसे ही पत्ते कुछ इसमें भी थोड़े बहुत थे, तो हमने उनको, उनकी तो पिंचिंग कर दी, उनको हटा दिया, और ये जो एक पत्ता इसमें बचा है इस पर भी हम स्प्रे कर दे रहे हैं। सो दोस्तों, पान के अगर पत्ते में ये लग जाए तो इसमें भी नॉर्मल स्प्रे ही डलता है। बाकी दोस्तों, हमारे पास ये जो प्लांट है कि इनमें कोई कीड़ा वगैरह ना लगे, बारिशों में बहुत लगते हैं, तो इसमें भी हम यही स्प्रे करते हैं। पर्सलिन वगैरह हैं, ये पर्सलिन लगे हुए हैं इसमें, ये देखिए। और ये दोस्तों हमारा स्नेक प्लांट है, यहीं पर स्नेक प्लांट देख सकते हैं, स्नेक प्लांट भी है, और इसमें भी हम थोड़ा बहुत स्प्रे करते हैं। ये हमारे हैंगिंग प्लांट्स हैं, जिसमें कि हम लगातार स्प्रे कर रहे हैं। आगे की प्लांट्स मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर आगे हिबिकस की फ्लावरिंग है आज, ये देखिए, बहुत ही कम से कम इसमें 25-30 कलियाँ आती हैं हिबिकस में, देखिए। और ये इसके फ्लावर्स देखिए कितने सुंदर हैं, ये देखिए वाइट कलर के ये फ्लावर्स आते हैं इसमें, वाइट कलर का हिबिकस है। इसमें भी स्प्रे करते हैं, कहीं इसमें रेन एफिड्स ना लग जाए। प्लांट्स का बेहद ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि उसमें रेन एफिड्स ना लगे, खासकर रेनी सीजन में तो बहुत। ये दोस्तों हमारा कनेर का प्लांट है, एक छोटा प्लांट है, मैं आपको नीचे क्यारी में भी कनेर की 2 कैटेगरीज दिखा चुकी हूँ, बट ये वाली कैटेगरी बिल्कुल अलग है उनसे, ये अलग ही फ्लावरिंग देता है। देखिए इस सीज़न में भी कितने प्यारे इसमें फ्लावर्स आ रहे हैं, ये देखिए दोस्तों कितने सुंदर इसमें फ्लावर्स आ रहे हैं। ये सब बस फर्टिलाइजर्स का कमाल होता है। देखिए इसका गमला काफ़ी छोटा है कनेर के हिसाब से, फिर भी इसमें काफ़ी अनगिनत कलियाँ आ रही हैं, कम से कम 100 से 150 तक दोस्तों कलियाँ हैं इसमें। देखिए इसमें भी हम स्प्रे कर देते हैं, फिर एंड में दोस्तों हमारे पर्सलिन के वही लगे हुए हैं पूरे सिमेट्री वाइज, इनमें भी हम स्प्रे कर देते हैं। सो दोस्तों, आज की हमारी ये जानकारी यहीं पर ख़त्म होती है। ये देखिए कितने प्यारे फ्लावर्स हैं, मैं बीच में आपको दिखा रही हूँ। तो आज की हमारी ये जानकारी यहीं पर ख़त्म होती है, और मिलते हैं अपने हमारे अगले वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए हमारा चैनल ब्राइट स्किल्स विद किमी।